हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 12th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उसमें टॉपिक क्या रहेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। मैंने मेरे पिछले पार्ट में इस चैप्टर के जो पिछला पार्ट है उसके अंदर अमीबा के अंदर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिटेल में पढ़ाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। बाइनरी फिजन हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी फिजन क्या होता है। जब सेल डिवाइड होती है और वो डिवाइड होकर जो हाफ्स में डिवाइड होती है वो ग्रो कर जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो सिंपली जब अमीबा के अंदर, हमने अमीबा का रिप्रोडक्शन तो डिस्कस कर लिया था, ये उसके कंडीशंस हैं, तो ये रह गई थी, तो उसको अब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फ्यूजन से। होता क्या है बाइनरी फ्यूजन, वेयर सेल डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ्स। दो इक्वल हाफ्स में, सपोज ये सेल है, ये सेल दो बराबर हाफ में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और ईच हाफ प्रत्येक हाफ क्या करता है, ग्रो रैपिडली इनटू अडल्ट। फिर वो ग्रो करके अडल्ट बना देता है। तो ऐसे एग्जांपल किसमें देखने को मिलते हैं, अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पहले केस की बात करें, जब कंडीशंस फेवरेबल हैं। मींस फेवरेबल मींस जो कंडीशन हमें चाहिए, जो हमारे अच्छे के लिए कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस हैं तो अमीबा डिवाइड होता है टू हाफ में और हाफ फिर क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं अडल्ट के अंदर। इस तरीके से अमीबा का आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर रेंडमली होता है। तो ये अमीबा दो हाफ में क्या हो जाता है, डिवाइड, और डिवाइड होकर ये क्या बना देता है, दो न्यू इंडिविजुअल बना देता है। डिटेल कैसे कैसे डिवीजन होता है वो देखने के लिए आप पार्ट थर्ड पे जाएं। मीन्स इस चैप्टर के पार्ट वन से लेकर आप यहां तक देखें, तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे थे, ये थी फेवरेबल कंडीशन, लेकिन ये कहता है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, कि जैसी कंडीशन उसको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए अगर वो कंडीशंस नहीं हैं, तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा क्या करता है, विड्रॉ इट्स सुडोपोडिया। मींस वो अपने सुडोपोडिया क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। ये होता है सुडोपोडिया। सुडो मींस झूठा, पोडिया मींस पैर, झूठे पैर। पोडिया मींस साइंटिफिक भाषा का, ग्रीक भाषा का वर्ड है इसका, पोडिया का मींस होता है पैर। तो इस तरीके से वो अपने पैर निकाल लेता है, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए आप लोगों को। ये इस तरीके से, मतलब उभार भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से उभार निकालने के बाद, विड्रो मींस निकाला, एंड सीक्रेट ए थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग, और एक उसके चारों तरफ हार्ड कवरिंग को सिक्रेट कर देता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इनसिस्टेशन। क्या कहते हैं, इनसिस्टेशन। हार्ड कवरिंग जो करता है उसको हम सिस्ट भी बोल सकते हैं, कि वो क्या बना लेता है, सिस्ट। और इसलिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनसिस्टेशन कहते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर कैम, इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा क्या करेगा, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, या कहूं मल्टीपल नंबर ऑफ अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, या क्या कह सकते हैं, सुडोपोडियोस्पोर्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों सुडोपोडियोस्पोर्स कहा गया, क्योंकि सुडोपोडिया बने थे पहले और फिर वो डिवाइड हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। दूसरी बात क्या होगी, द सिस्ट वॉल ब्रस्ट, या क्या हो सकता है, जो ये सिस्ट बनी थी थ्री लेयर, ये क्या हो जाती है, इसकी वाल क्या हो जाती है, ब्रस्ट मींस फट जाती है। फटने के कारण उसके अंदर जितने भी स्पोर्स बने हैं वो चारों तरफ लिबरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं सराउंडिंग में,
एंड देन ग्रो इन अमीबा, और इस प्रकार से वो क्या है अमीबा, अमीबा के अंदर क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो फिनोमिना इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। तो ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्पोर्स इज लिबरेटेड सराउंडिंग, चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पोर्स क्या आ जाते हैं लिबरेट, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। तो ये हमने रिप्रोडक्शन अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है छोटे प्लांट्स के अंदर और फंगस के अंदर। अब हम हायर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आगे टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। इसी तरीके से लगातार मेरी वीडियो देखते रहें और मुझे सपोर्ट करें। लेट्स कंटिन्यू ऑन अवर टॉपिक। तो इन हायर प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, कैसा होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है और इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो जो पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है या पार्ट लेता है उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। हमें पता ही है, हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इस रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो पेरेंट्स होता है वो कैसा होता है, सिंगल। इन दिस सिंगल पेरेंट इज प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, डिवाइड हो जाती है पार्ट्स में एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, और नए ऑर्गेनिज्म बना देती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी डिवाइड इनटू पार्ट्स, बॉडी क्या होती है, पार्ट्स में डिवाइड होती है एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, और नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है हाइड्रिला। हाइड्रिला का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इस तरह की बॉडी होती है हाइड्रिला की। ये बॉडी क्या होती है, इस तरीके से फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है पार्ट्स में। अब ये जो पार्ट्स कट होते हैं इस प्रकार से, ये पार्ट्स फिर क्या कर जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं। तो ये बॉडी के क्या हुए थे, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मीन्स पार्ट्स, तो इसलिए प्रोसेस का नाम क्या लिखा, फ्रेगमेंटेशन। उन्हीं पार्ट से फिर नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि बॉडी पार्ट एक या दो ही भाग में डिवाइड होगा, नो देयर इज एनी लिमिटेशन। जैसी बॉडी की मेच्योरिटी होती है उसी हिसाब से बॉडी क्या करती है, फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट, जैसे कोई स्टेम, कोई लीव्स, कोई फ्लावर, कोई सीड, कोई मतलब कोई भी पार्ट क्या कर सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। तो हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म के, कुछ एग्जांपल देखेंगे। रनर, रनर यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। जैसा कि मैंने अभी बताया, वो पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाता है उसको क्या कहते हैं, रनर। रनर किस प्लांट्स के लिए होता है, ग्लेडुलस प्लांट्स होता है उसके लिए। फिर हमारी जो जिंजर होती है, अदरक जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है, राइजोम, जो क्या है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो कि क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। उसके बाद है सकर। सकर क्या है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। मिंट, मिंट क्या होता है हमारा, पुदीना। पुदीना के अंदर कौन सा भाग, सकर जो पार्ट है उसका, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराता है। पोटैटो, पोटैटो के अंदर कौन सा, ट्यूबर, जो पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराता है वो क्या होता है, ट्यूबर होता है। तो वाटर हाइकेंथ, इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है, ऑफसेट होता है। और ऑनियन के अंदर कौन सा पार्ट होता है, बल्ब होता है। तो ये हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए किसके, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के,
कि इस प्लांट में ये वेजिटेबल प्रोपेगुल्स एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चला कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, प्लांट्स का कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ग्रो इंटू ए ऑर्गेनिज्म, वो हमारी क्या होगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी। क्या होगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो अब आगे हम एक प्लांट को स्पेशली डिस्कस करेंगे, वो देख लेते हैं क्या है हमारा प्लांट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसका मेरे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लगातार मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।